हेलो थर्ड स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, आज आपका ड्राइंग लेक्चर ही है। ड्राइंग लेक्चर है आपका, टेक आउट क्रिएटिव ड्राइंग बुक, दिस बुक। Now open your book. Page number 1 to 12. Page number 12 पर आइए। Page number 12, picture composition, painting. Page number 12, picture composition means painting. Make a picture composition by arranging any four geometrical sheets in your art book. Fill colors in it, use pencil colors or pastels for paint. थोड़ी इस बात को अभी जान लें, ये आर्ट बुक में हमारे येलो बुक में बनाने को बोल रहे हैं वो अभी हम नहीं बनाएंगे, हम पहले क्रिएटिव बुक को कंप्लीट करेंगे। तो कुछ क्रिएटिव बुक में करना है वो वर्क पहले कर लेंगे हम। देखिए यहाँ ज्योमेट्रिकल शेप के जरिए कई चीज़ें बने, माउंटेन, हाउस, मून, ट्रीज, बोट, है ना। ये माउंटेन मतलब ये ट्राइंगल से, ये घर का जो छत है वो ट्राइंगल, फिर ये भी ट्राइंगल, ये सर्कल सर्कल सर्कल, ये सारे ज्योमेट्रिकल शेप्स हुए ना। तो ये ब्लैंक स्पेस पे ऐसा आपको बड़ा सिर्फ प्रिंट किया हुआ है वही चीज़ आपको कलर करना है। चले हम देखें नीचे क्या लिखा है। पहले तो अबाव पिक्चर कंपोजिशन इज मेड विद हेल्प ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स लाइक सर्कल, सेमी सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। रेक्टेंगल शेप भी है ये, स्क्वायर भी है, सेमी सर्कल मतलब ये आधा अधूरा, ये सर्कल मतलब उसे सेमी सर्कल कहते हैं। स्टडी दिस पिक्चर कंपोजिशन मेड इन द शेप ऑफ अ ब्यूटिफुल सीन एंड इट्स पेंटिंग। कैसा एक खूबसूरत सा नज़ारा है, और वो पेंटिंग को भी गौर कीजिए, के पेंटिंग पर भी ध्यान दीजिए। नाउ पेंट इन द स्केच ऑफ दिस पिक्चर कंपोजिशन एज शोन इन द शेप ऑफ द सैम्पल। यहाँ पर आपका प्रिंट ये क्या प्रिंट किया हुआ है वैसा ही आप अंदर कलर करना है। यूज पेंसिल कलर्स एंड स्केच पेन फॉर पेंटिंग। पेस्टल कलर्स कैन ऑल्सो बी यूज इन प्लेस ऑफ पेंसिल कलर। तो हमारे पास ऑयल पेस्टल कलर है, हम ऑयल पेस्टल कलर करेंगे। देखिए यहाँ पर देख कर वैसे ही कलर्स आपको यहाँ पे, ये मैंने कलर कर लिया है, मैंने इस पेज पर कलर कर लिया है। कैसे कलर करना है मैं आपको बताता हूँ दूसरे पेज में, ठीक है। अब पहले ये ध्यान से देखिए, फिर इस तरह से कलर करना है, कैसे कलर करना है। हम जब भी ड्राइंग करने बैठे, ड्राइंग पेंटिंग करने बैठे कुछ भी, तो सारी चीज़ें हमें तैयार रखनी है। हमारे पास ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, ये सारी चीज़ें बराबर, कलर वलर सब। पहले येलो कलर देखिए, यहाँ पे मैंने बना के रखा है, इसमें कलर कर लिया है, इसलिए स्काई को येलो कलर करना है। यानी कि ये बताना चाहते कड़ी धूप लगी है आज। इस तरह से पूरा आपको कलर से फिल कर देना है स्काई के पोर्शन को, बराबर। ये एक सरखा दबाव देके, प्रेस देके, बराबर। फिर उसके बाद ट्री, ट्री के लिए ये ग्रीन कलर रखे हम,
पूरा नहीं बताऊंगा बेटा, क्योंकि वीडियो लेंदी बन जाने से आपको परेशानी आती है, बराबर। और एक दिन में कैसे मतलब कुछ ही रिचार्ज किया होता है, 1.5 GB मिलता होगा, तो वो भी ध्यान रखना है मुझे। दूसरे सब्जेक्ट का भी होमवर्क रहता है, तो पूरा तो नहीं बनाऊंगा, परेशानी आएगी आपको, शिकायत होती है फिर। आप यहाँ पे देखकर जैसा कलर है ये वैसा ही कलर, या अगर डिटो सेम टू सेम वैसा कलर नहीं है तो उससे मिलता जुलता कलर करेंगे हम। ट्रंक ब्राउन, इस ट्रंक को भी ब्राउन कलर कर दीजिएगा। इन्होंने फिर माउंटेन पे लाइनिंग की है, पर उससे मिलता जुलता कलर कौन सा है देखिए यहाँ पे, तो हम भी बिल्कुल पूरा कलर से ब्लॉक नहीं करेंगे ऐसे। उन्होंने बताया है वैसे ही इसी तरह से पेंटिंग करेंगे हम, इससे हम स्ट्रेट लाइन बनाते सीखेंगे बिना स्केल की मदद से, बिना स्केल की मदद के हम स्ट्रेट लाइन इस तरह से। ओके, पूरा कर लीजिएगा। यहाँ ऑरेंज कलर, घर की दीवारें ऑरेंज कलर, वर्टिकल डायरेक्शन में लाइनिंग्स, फिर खिड़कियाँ ब्राउन कलर, ब्राउन कलर हॉरिजॉन्टल लाइन लाइनिंग से। छत जो है ऐसे, फिर ये और ये ऑरेंज कलर और ये लाइट ब्राउन कलर से, ठीक है। फिर पानी की लहरें ब्लू कलर, ऊपर ब्लू कलर, तीन पट्टन से तीन स्ट्राइप डाल देने पर ये ब्लू लाइट ब्लू कलर, उसके बाद वाला आएगा थोड़ा डार्क ब्लू कलर और नीचे पर्पल या वायलेट पर, इसी मेथड लाइनिंग। तो आपको ये वर्क कंप्लीट करके पेज नंबर 12 इन क्रिएटिव बुक में ही कलर करना है सिर्फ। पिक्चर कंपोजिशन पेंटिंग
पेज नंबर 12 यहाँ पर जैसे बताया वैसा ही कलर यहाँ पर करना है, उसी मेथड से लाइनिंग के ज़रिए। ठीक है, याद रखिएगा लाइनिंग के ज़रिए। आपको बन जाने के बाद पिक सेंड नहीं करना है मुझे, जब बुक सबमिट करने के लिए मैसेज आएगा तब बुक सबमिट करना है आपको, पिक भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके चिल्ड्रन, बाय।